हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड मे बी तुमको अभी एको आ रही होगी, एंड एको का मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज ये रूम भी फिलहाल के लिए एम्प्टी है। मैंने सिर्फ अपना बैकग्राउंड में पीसी लगाया और उसके अलावा अभी कुछ भी नहीं करा। ये मेरा नया सेटअप होने वाला है एंड मे बी होपफुली आपको आगे से जो है फेस कैम वीडियोज़ रेगुलर देखने को मिले। ना वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि फेस कैम वीडियो आपको रेगुलर देखने को मिलेगी, बट अभी कुछ वीक तक देखो, जैसे कि मैंने बोला मेरा ये रूम पूरा का पूरा एम्प्टी है, तो मे बी इस वीक में मैं कुछ इसके अंदर काम करूँ, मे बी मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज करूँ, मे बी मैं नया पीसी बिल्ड करूँ वगैरह वगैरह, जो कि मेरा ये वाला पीसी बिल्ड जो अभी मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ ये बहुत गंदा है, अभी दिखाऊँगा। तो हम लोग नया पीसी बिल्ड करेंगे एंड बहुत सारी चीजें करेंगे, तो हो सकता है हफ्ते की मे बी एक दो वीडियोस में फेस कैम ना करूं, ठीक है, तो थोड़ा काम चलाना पड़ेगा, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर सारी वीडियोस फेस कैम देखने को मिले। कैमरा अपन लोग ने नया ले चुका है, माइक भी मैंने नया खरीदा है, मैं पहली बार यूज टू हो रहा हूँ इन सब चीज़ों को लेके। एंड आप जैसे कि जानते हो कि मैं फर्स्ट टाइम फेस कैम कर रहा हूँ, मतलब ऑफिशियली अपने चैनल पे, एंड मैं टेक्नीशियन एंड बहुत सारी और वीडियोज़ में जो है फेस कैम कर चुका हूँ, बट मेरे लिए जो है फेस कैम करना कोई एक रेगुलर चीज़ नहीं है, मतलब मैं नया हूँ फेस कैम करने में। एंड नया हूँ तो भाई थोड़ा बहुत मेरे को हो सकता है मेरी वीडियोज़ में आपको वो फ्लुएंसी ना दिखे जो कि तुमको रेगुलरली जनरली मेरी वीडियोज़ में दिखती है, क्योंकि जनरली मैं जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ रिकॉर्ड करता हूं, बट उस वक्त पे मेरे को कोई कैमरा नहीं होता मेरे मुंह के आगे, बट अभी जो है वो हो सकता है मेरे मुंह के आगे कैमरा है तो मैं थोड़ा सा यू नो वीडियो में नर्वस लगूं या फिर अलग अलग टाइप की हरकतें करूं, मतलब अजीब हरकतें करूं, या फिर तुम्हें तो वीडियो फ्लुएंट ना लगे या मैं थोड़ा अटकूं या कुछ भी जो है वो अगर तुम्हें लगता है तो वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। और ऑडियो में देखो मैं जनरली अपना मेरे पास पता नहीं वीडियो में दिखेगा नहीं दिखेगा, ये वाला माइक मैं यूज़ करता था अपना ब्लू येती अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए, बट अभी क्योंकि ये मेरे डेस्क से जो है वो माउंटेड है और अभी के लिए मैं फिलहाल तो लेवलियर माइक यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ये यूएसबी वाला माइक है और यूएसबी माइक को मैं कैमरे में तो लगा नहीं सकता। अब मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा पीसी में फिर कैमरे के साथ सिंक करो तो वो है ना बैठता नहीं है सही, तो फिलहाल के लिए मैंने ये लेवलियर माइक लिया है। अब ये लेवलियर माइक कैसा काम कर रहा है, कैसा साउंड कर रहा है देखते हैं। एम्प्टी रूम है, एको आ रहा होगा, ये सब है, बाकी पीसी बिल्ड करेंगे तो मैं अपना नया पीसी बिल्ड करने वाला हूँ, कैसा होगा किस तरीके का होगा और ये रूम सेटअप वगैरह जो है वो सब तुमको देखने को मिलेगा। पहले हम लोग पीसी अपग्रेड करेंगे, थोड़ा रूम को मैं इंप्रूव करूँगा तो मैं रूम टूर भी दूंगा, कंप्लीट नया स्टूडियो वगैरह जो भी है उसके बारे में जो है वो तुमको मैं पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो भी है सब कुछ बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए तो ये छोटा छोटा सा चैनल अपडेट था, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत अपने अभी एग्जिस्टिंग पीसी की गंदी सी हालत दिखाता हूँ, ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड। सो ये मेरा करंट पीसी है फिलहाल के लिए, एंड अगर तुमको कैमरा नॉइज आ रही है या फिर लेंस के मूव करने की नॉइज़ तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे नहीं पता कि ऑडियो रिकॉर्ड हो भी नहीं हो रही क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इस माइक को लगाया है और हो सकता है माइक बंद हो, आई डोंट नो, बट लेट्स सी, लेट्स होप कि कर रहा हूँ ना। अब तुम धूल देख सकते हो यहाँ पे, लाइक फोकस कर रहा है ना कैमरा, लाइक तुम धूल देख सकते हो कैसे, ये तो साफ करने के बाद इतनी धूल बची है। लाइक मैं तुम्हें फ्रंट दिखाता हूँ, लाइक ये मैंने जानबूझ के थोड़ा खोला हुआ है फ्रंट तो तुमको एक अच्छा आइडिया लग सके। लाइक फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये मेरे जीपीयू के ऊपर का पार्ट देखो, लाइक दिस, यहाँ पे मैंने एक पंखा लगा रखा था एग्जॉस्ट के लिए ताकि यहाँ से जो जीपीयू की भी हॉट एयर आ रही है, देखो ये फाउंडर एडिशन कार्ड है तो जीपीयू की जो भी हॉट एयर आएगी वो थोड़ा एग्जॉस्ट करने के लिए। मेरा पीछे का जो है वो आरजीबी फैन तक बंद हो चुका है, उसकी आरजीबी खराब हो चुकी है एक्चुअली, और डोमिनेटर देखो अलग से चमक रही है अंदर। तो ये मेरे पीसी की इतनी बुरी हालत है, मैं तुम्हें फ्रंट से दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, ये इसका इनटेक है, ठीक है, इतनी बुरी हालत है मेरी इसकी, और मैं तुम्हें बताता हूँ इसी हालत क्यों है। अच्छा उससे पहले एक चीज़ अगर तुम्हें अंदर दिख रहा हो, लेट मी फोकस, अंदर दिख रहा है क्या? हाँ देखो, तुम्हें रेडिएटर में गंदगी दिख रही है मेरे कैबिनेट के, मतलब एआईओ के दिख रही है क्या? तो अगर दिख रही है तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ गणपति बप्पा, ताकि पीसी अच्छा चले और वीडियो अच्छी बने, इसलिए आशीर्वाद लेना बनता है। और असहन लोग एक साथ और लोग फ्रिज के ऊपर रखते हैं गाड़ी की चाबी, मैंने कैबिनेट के ऊपर रखी है ना। स्टोरी सुनाता हूँ तुम्हें इस गंदे से पीसी की ना, ये गंदा इसलिए हो रखा है बिकॉज मैंने जैसे तुम्हें बोला मेरा ये पूरा घर कंस्ट्रक्शन के अंदर था, कंस्ट्रक्शन में तोड़फोड़ तो होती रहती है। अब तोड़फोड़ होती है तो भाई धूल मिट्टी गिरना वो सब बहुत कॉमन चीज़ है ना, कंस्ट्रक्शन में लगते हैं 6 से 7 महीने अगर तुम पूरा का पूरा, अगर छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन हो तब तो चलो तुम्हारे ऊपर है कि कैसा है, लेकिन अगर फुल कंस्ट्रक्शन चल रहा हो तो देन 6 से 8 महीने लगते हैं, और ये कोविड का टाइम है इसमें तो और लग गया मेरे को, तो इसलिए जो है वो फेस कैम डिले हो गया। और उसके सीन में क्या हुआ कि जब कंस्ट्रक्शन चला तो धूल मिट्टी जमी और फिर मैंने इस पीसी को साफ ही नहीं करा, मैंने कहा भाई भाड़ में जाए जितनी गंद जम रही है जमने दो, क्योंकि मैं दोबारा साफ करूंगा वो अगले दिन दोबारा गंदा हो जाएगा, तो मैंने कहा भाई जितना गंदा हो रहा है होने दो, उसके बाद जैसे ही हम लोग नए सेटअप पे मूव करेंगे हम लोग जो है वो पूरा का पूरा नया पीसी बिल्ड करेंगे। तो ये मैंने सोचा, ठीक है, और मेरा सोचा हुआ सही निकला और अभी जो है वो अपना पूरा पीसी गंद मच चुकी है। एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने तुम्हें ये बताया था ना कॉर्सर का फैन देखो रुका हुआ है, तुम में से कई लोग सवाल पूछोगे कि भाई ये फैन बंद हो रखा है क्या, फोकस
तो नहीं ये फैन बंद नहीं है, मेरा कॉर्सर का फैन तुमने रेडिएटर में देखी कितनी धूल जमी है, उतनी धूल जमने के बाद भी ये बंद है। और अभी कमरे में पंखा भी नहीं लगा है ताकि पंखे की आवाज ना आए माइक में। तो इतनी गर्मी में ऐसा इसलिए है बिकॉज कॉर्सर का 0 RPM मोड। अब ये वीडियो कॉर्सर ने स्पॉन्सर तो नहीं करी है, बट 0 RPM मोड में क्या होता है कि तुम्हारा कैबिनेट का तुम्हारे AIO का फैन तब तक नहीं घूमता जब तक तुम्हारा CPU स्पेसिफिक टेम्परेचर से ऊपर ना चला जाए। तो अभी के लिए देखो, मेरे को मान लो वीडियो बनानी है, मेरे को अपनी वीडियो के लिए मतलब वीडियो के लिए जब मैं ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि AIO का फैन जो है वो घूमता रहे, नॉइस करता रहे, तो वो जो है वो ना हो, इसलिए उसको एलिमिनेट करने के लिए 0 RPM मोड। और तुम ये देख रहे हो कि कूलिंग एफिशिएंसी देखो तुम, कि मतलब तुम धूल देखो उसके अंदर कितनी जमी है, उसके बाद भी ये इतना कूल रख रहा है मेरे CPU को कि मेरा CPU 0 RPM मोड पे चल पाए। और CPU मेरा अच्छा खासा CPU है, तुम जानते हो, अभी मैं अपग्रेड करूंगा तो तुम्हें बताऊंगा मेरा क्या CPU है क्या नहीं है, तो सब कुछ बताऊंगा। फिलहाल के लिए तो मैंने तुम्हें ये छोटा सा अपडेट दे दिया, चैनल अपडेट दे दिया और ये वो दे दिया, बाकी मेरी 32 इंच की स्क्रीन देख रहे हो कैबिनेट मेरा, ये मिड टावर कैबिनेट के आगे पूरा कैबिनेट की हाइट से देखो, दोनों की हाइट देखो मैच कर रही है, इतनी बड़ी मॉनिटर है, बट मजा आता है देखने में। तो ये था, बाकी तो देखो यार कमरे के अंदर कुछ भी नहीं है, साउंड डैम्पनिंग मुझे करनी पड़ेगी, मुझे बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, ऐसे ही सामान बिखरा पड़ा है। तो देखते हैं बाकी अपडेट तुम्हें कैसा लगा वो डिस्क्रिप्शन में जो है, अपडेट तुम्हें कैसा लगा वो डिस्क्रिप्शन में नहीं है, वो लाइक के बटन को दबा के बताओ मुझे। और डिस्क्रिप्शन में अमेजोन का लिंक होगा, शॉपिंग करोगे तो चैनल को सपोर्ट मिलेगा। और मैं जो है फेस कैम वीडियो ला रहा हूँ तो भाई थोड़ा स्पेंड करना पड़ेगा मुझे मनी, तो जाके सपोर्ट दिखाओ नीचे अमेजोन के लिंक से। और धन्यवाद भाई, टेक केयर गाइस।